गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। मुख्य अतिथि के रूप में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 88वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे सीडीएस विपिन रावत को एनसीसी कैडेट ने पेश किया गार्ड ऑफ ऑनर। कहा, छात्र और छात्राएं है देश के भविष्य, हमारे देश की उन्नति आपके ऊपर है निर्भर। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने लगाई जीत की हैट्रिक। सभी शिक्षकों के प्रति व्यक्त किया आभार। कहा, शिक्षक हितों की लड़ाई रहेगी जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित उद्योग भवन गीडा का किया लोकार्पण। कहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की प्रमुख संस्था है चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज। परम्परागत उद्योग है एक बड़े निवेश का आधार। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 88वें स्थापना दिवस के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए सीडीएस विपिन रावत। मंच पर स्थापित महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ, महाराणा प्रताप तथा गुरु गोरक्षनाथ के प्रतिमा का किया लोकार्पण। शिक्षक एमएलसी चुनाव में पड़े कुल 28,802 मतों में से 1,277 मत मिले अवैध। ये हाल है पढ़े लिखे वर्ग से आने वाले शिक्षकों का, जबकि 11 प्रत्याशियों ने अवैध मत से भी कम पाए वोट। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित उद्योग भवन गीडा का लोकार्पण एवं फीता काटकर भवन का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने उद्योग भवन परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण को स्वच्छ रखने का दिया संदेश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम विकास विभाग के प्रमुख सचिव व आयोग के रविन्द्र नायक ने की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा। कार्यों को समयानुसार पूरा करने के दिए निर्देश। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 88वें स्थापना दिवस पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। मुख्य अतिथि सीडीएस जनरल विपिन रावत ने किया शोभा यात्रा को रवाना। छात्रों ने मुख्य अतिथि को दी सलामी। नौसेना दिवस पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के रक्षा अध्ययन विभाग में आयोजित किया गया विशेष व्याख्यान। विभिन्न विषयों पर की गई चर्चा, डाला गया प्रकाश। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतगणना में ध्रुव त्रिपाठी ने प्राप्त किए 11,154 मत, जबकि 11 प्रत्याशी नहीं पहुंच पाए 4 अंकों तक। गोरखपुर विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के पुरातन छात्रों द्वारा स्थापित पुरातन छात्र ग्रंथालय का कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह द्वारा किया गया उद्घाटन। उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय स्तरीय 2 दिवसीय कला प्रदर्शनी अभिव्यंजना का गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला और संगीत विभाग में हुआ आयोजन। छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार की लगाई गई प्रदर्शनी। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 24 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,189। अब तक 323 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 414 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। चिल्वाताल पुलिस ने 1 किलो 200 ग्राम गांजा के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह कोहरे ने दी दस्तक। तड़के सुबह से ही फिजा में कोहरा की छाई चादर। कोहरे के चलते हेडलाइट जलाकर गुजरे वाहन।